सा। तेजी का इसकी नहीं कोई ठिकाना, कितना है पक्का देखो इसका निशाना। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा। मैं हूँ एक निंजा, गुडू जैसा इसका स्टाइल रहेगा, दोस्तों के लिए बड़ी मेहनत करेगा। कितने मजे से लुका छुपी खेल रहे हैं। ये तो बच्चों का खेल है केनी जी, मुझे ऐसे छोटे मोटे खेल खेलना पसंद नहीं। पकड़ लिया। केनी जी मुझे लुका छुपी का खेल बहुत पसंद है। क्या कह रही हो, सचमुच मुझे भी ये खेल बहुत पसंद है। युमिको, युमिको पता है हमारा एक नंबर का झूठा है। केनी जी क्या तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, अभी मुझसे कह रहा था कि मुझे ये बच्चे वाला खेल पसंद नहीं है। अच्छा, झूठा कहीं का। मैं आ गया, मैं चला। आखिर इसे क्या हुआ, हवा की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। डिंग डिंग, एक दो तीन, जिसकी उंगली छोटी वो ढूंढेगा। वो तो मेरी है। वन टू। मैं तो जाल में फंस गया। 21, 22, 23। आगे आगे देखो होता है क्या। हमारा ऐसा क्यों करते हो? 98, 99, 100। दोनों छुप जाओ, मैं आ रही हूँ। युमिको को पता ही नहीं चलेगा कि मैं यहाँ हूँ। कहाँ गए? मैं उधर जाता हूँ। ये क्या, ये कहाँ से अटक गया? निकल जाओ, निकलो। निकलो। केनी जी तो पकड़े गए। इस आवाज की वजह से पकड़ा गया। अब हमारा कहाँ है? तुम पकड़े गए हमारा। अरे मैंने तो छुपने के लिए मुश्किल जगह चुनी थी, लेकिन आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ लिया। ये हमारा तो युमिको को मस्का लगाने के बहाने ढूंढता रहता है। 98, 99, 100। हमारा तुम पकड़े गए, मुझे मालूम है कि तुम पेड़ के पीछे हो। गायब हो गया। मुझे पकड़ना मुश्किल है। अच्छा तो वो अचानक अपने कपड़ों से गायब हो गया। हाँ, प्लीज हथौड़ी मुझे भी ऐसी कोई कला सिखा दो कि मैं उससे आसानी से जीत जाऊँ। वो तो हमेशा अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके तुमसे बाजी मार लेता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा। केनिची, केनिची। हाँ, अरे ये क्या, सारे बच्चे कहाँ चले गए? ये बच्चे भी ना कब क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। देखा, माँ यहाँ आई और चली भी गई, उन्हें हमारे यहाँ होने का पता भी नहीं चला। हथौड़ी तुम्हारा जवाब नहीं। युमिको, हम आज शाम को भी लुका छुपी खेले? हाँ, जरूर। मैं आ गया, मैं चला। फिर से नहीं। हमारा की उंगली।
भी आज ये हमें ढूंढेगा। अरे आज तो शुरुआत ही गलत हुई है। आज बहुत मजा आएगा। यूमिको, मैं इसमें दिख तो नहीं रहा ना? ये छोटा है, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। ओ, ये केनिची बिना कोई भी काम सही ढंग से नहीं करता है। शिंजो, तुम जल्दी से जाकर पेड़ के रंग का कपड़ा लेकर आओ। छुपे हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे अब क्या करूँ? अब तुम कहाँ छुपोगे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये वाला लूं या फिर ये वाला? एक काम करता हूँ, सब ले जाता हूँ। तुम दोनों कहाँ हो, कहाँ हो? कहीं दिख नहीं रहे। चलो मैं वहाँ देखता हूँ, कहाँ गए? शुक्र है अभी तक ये पकड़ा नहीं गया है, पर ऐसे करेगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। केनिची, ऐसा मत करो, ठीक से छुपने की कोशिश करो। केनिची, देखो मैं साले कपड़े ले आया। हा? क्या, मत आओ, जाओ। अब तो मैं जाओ, ले ले जाओ। वो देखना ले मुझे। अरे ये तो बड़े अच्छे कपड़े हैं, मैं भी वहाँ छुपती हूँ। तो तुम यहाँ हो, ये लो केनिची। तुम ऐसे क्यों मार रहे हो? मुझे लगा केनिची है। उसे भी ऐसे नहीं मारना चाहिए। मैं तो यहाँ हूँ, हमें फिर से ढूंढो। टिंगलिंग, आज तो बाजी उल्टी पड़ गई। देखा, आज तो अमारा को नानी याद आ गई। ये लो। हाँ दीजिए, मैं देखती हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा आप। ओ बच्चों, पता है आज पापा को तरक्की मिली है, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई तोहफा नहीं है। हमें उन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए ना? हाँ, अब इस वक्त क्या मिलेगा मम्मी? उन्हें अच्छा सा खाना खिला देंगे बस। मैं अभी कुछ लेके आता हूँ। है, इस वक्त क्या मिलेगा? हाँ, इस वक्त तो मिलना बहुत मुश्किल है ना। मैं पापा के लिए तोहफा लेकर ले आऊँगा, ये इस नन्हे शिंजो का वादा है। चलो शशि मानो। चलो शशि मानो, तोहफा लेकर आते हैं। जल्दी आ जाना शिंजो। हमें देर हो जाए तो चिंता मत करना। मुझे तो अजीब लग रहा है। डिंग, हाँ? ओ अच्छा, ठीक है जाओ, पर अपना ख्याल रखना। चलो शशि मानो, बाय बाय शिंजो। कल का दरवाजा बंद रखो। दरवाजा बंद रखो। शिशि मानो, लोगों को चोलों से सावधान कर देते हैं। इस वक्त निकले हैं तो कुछ अच्छा काम भी करते हैं। दरवाजा बंद रखो। दरवाजा बंद रखो। चोलों से सावधान रहो। तुम लोग इतनी रात को आखिर क्यों चिल्ला रहे हो? अब कौन समझाएगा इसे कि भलाई ऐसे करो कि किसी को तकलीफ ना हो। मैंने तो सबका अच्छा सोचा, लेकिन वो लोग तो चलो लोगों को फिर से सावधान करते हैं। अरे शशि मानो, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? चलो देखते हैं। वो देखो, चलो वो आग बुझाते हैं। अरे पानी खत्म हो गया। अरे आग क्यों बुझा दी तुमने? हमने तो अच्छा काम किया। अरे नहीं, मेरा काम बिगाड़ दिया तुमने। ये जहाँ सो गया। ध्यान से देखो कौन सी दुकान खुली है, ताकि जल्दी जाकर तोहफा खरीद सके। ओ, इन लोगों को भी यही पर बैठना था। शिशि मानो उठो। अरे हमें किसने बचाया?
अरे क्या बात है, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या बात है बच्चे, धुआ उड़ाना बुरी बात है, इससे सेहत खराब हो जाती है सर। हेलो इंस्पेक्टर, धुआं उड़ा रहे हैं। हाँ, मैंने वो चीज काट दी है। ठीक है, बाय बाय। जी जी सर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वो बस रुको, भागते कहाँ हो, अभी देखता हूँ इन बच्चों को, मेरी शामत आ गई थी। क्या करेंगे सिद्धि मानो, पीछे भी पुलिस इंस्पेक्टर और सामने भी पुलिस इंस्पेक्टर है। अरे बाप रे, सर आ रहे हैं, भागो भागो। लगता है अब शिंजो को तोहफा दिलवाना ही पड़ेगा। रुको शिशिमानो, अब हमें तोहफा लेना है। अले दीवार पर आलो बना है, ये दुकान तक ले जाएगा। डिंग 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 डिंग। तुमने तो कमाल कर दिया शिशि मानो। इसमें कौन सी नई बात है? चलो। इन दोनों को अंदर जाना चाहिए। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अरे ये क्या हुआ? ये क्या धुआं? हमने आग बुझा दी, आग बुझा दी। ये क्या है? अले प्लग तो पहले ही निकला हुआ था, किसने निकाला? देखिए। अरे शिंजो तुम तोहफा ले आए? मैंने कहा था ना मैं तोहफा ले आऊंगा, मैंने अपना वादा पूरा किया। ओ, मैंने भी किया। डिंग डिंग। मुझे तुम पर नाज है। मैं आ गया। अच्छा है कि तुम सब यहीं पर हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारी मनपसंद चीज। चलो देखे क्या है। नहीं, पहले मैं देखूंगा। मुबारक हो, आज आपको तरक्की मिली है, देखिए बच्चे भी खुश हैं। इसीलिए बच्चों के लिए मैं ये फल लाया हूँ, शिशि मानू को भी पसंद है ना? मुझे तो लगता है इस घर में मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। क्या बात है? पता है आज शिंजो और शिशि मानू ने बड़ी मेहनत की है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। मैं दरअसल यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, उम्मीद है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। क्या तुमने सच में ये अपने हाथों से बनाया है हमारा? हाँ मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है, पर कैनी जी कहने लगा कि तुम ऐसे मफलर नहीं पहनती, लेकिन मैंने भी तय कर लिया कि अगर बनाया है तो तुम्हें दिखाऊंगा जरूर, सही क्या ना? हाँ, पर मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा हमारा? अब तुम इसे पहनो या ना पहनो तुम्हारी मर्जी, बस मैं तुम्हें इसे दिल से देना चाहता था तो तुम्हारे लिए ले आया। अरे वाह, यूमिको ने मफलर पहन लिया, इसका मतलब उसे मेरा तोहफा पसंद आया। पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो हमारा। मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं और ये स्टफ डॉगी तो बहुत महंगी होगी। अरे केनिची तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करना क्या है, यूमिको के लिए तोहफा देख रहा था। अच्छा? लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो। केनिची, तुम पूरी बात समझाओगे तो समझूंगा ना। वो हमारा हमेशा यूमिको को तोहफा देता है। और इस बार तुम तोहफा देकर उसे खुश करना चाहते हो, तो इसमें परेशानी क्या है? मेरे पास एक चीज है, उसे दे दो। अच्छा वो क्या है? बस तुम देखते जाओ। प्लीज शिंजो, क्या है बताओ ना। रुक जाओ शिशि मानो। अब हम तुम्हें गोला बनाएंगे।
पास आ जाएंगे और अब ये बो और लिमिट लगाएंगे। ये भी पहनना पड़ेगा मुझे। ये लो केनिची, तुम्हारा तोहफा तैयार है। अच्छा दिखाओ तो। हाँ? अरे ये तो दुकान वाले डॉगी जैसा है। तुम्हें पसंद आया ना? हाँ, और युमिको को भी पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिंजो। कोई बात नहीं केनिची। युमिको, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। देखो तो क्या है। कितना प्यारा डॉगी है, मुझे पसंद आया। तुम्हें ये सच में पसंद आया ना युमिको? हाँ, मैं कब से ये डॉगी खरीदना चाहती थी। तुमने ये देखकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम कितने अच्छे हो। अरे वाह, इसमें डॉगी का खाना है। डॉगी खाता है। ये लो। ये लो। ये तो खत्म हो गया। मैं डॉगी के लिए और खाना लाती हूँ। लेकिन और खाने से इसके पेट में गड़बड़ हो गई तो चलो आज छुट्टी है। काश तुम असली होती तो मैं तुम्हारे साथ खूब खेलती। युमिको, बहुत सो लिया, चलो उठ जाओ। मैं उठ गई हूँ मम्मी। चलो अब जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ। मैं आ रही हूँ मम्मी। दुखी मत होना, मैं नाश्ता करके आती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ खूब बातें करूँगी, ठीक है? हाँ, मैंने तो पूरा घर छान मारा, लेकिन शिशिमानो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप लोगों ने देखा है? क्या वो घर में नहीं है? शिंजो को जरूर मालूम होगा। मुझे नहीं मालूम। डिंग डिंग, सच सच बता दो तो बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता है इससे क्या क्या हो सकता है। डिंग 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 डिंग। मैंने उसे स्टफ डॉगी जैसा बनाया और केनिची को दे दिया। क्या? वो डॉगी शिशिमानो था? अगर युमिको को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? युमिको, क्या हुआ? वो कल जो मैंने तुम्हें तोहफे में डॉगी दिया था, वो इस वक्त कहाँ है? मैंने तो वो डॉगी अपने कमरे में रखा था, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गया। गायब हो गया? क्या सच में गायब हो गया? गया होगा। अरे रुको तो, बताओ ना क्या बात है। सब कुछ मांगना पर हाथ पर मांगना। आज मजा आएगा। जाओ कियो, अपनी सारी अगली पिछली बेइज्जती का बदला लेकर आओ। जाओ, क्यों मजा आया कि नहीं? ये तो शुरुआत है, शुरुआत। तुम्हें किया अंत हटौड़ी करेगा। तुम्हें सबक सिखाएंगे, सबक। ओ ये हमारा मेरे शिशिमानो के साथ क्या कर रहा है? अभी उसे अच्छा सबक सिखाता हूँ। डिंग डिंग डिंग। युमिको तुम यहाँ, देखो मैंने ये डॉगी तुम्हारे लिए बांध कर रखा है। वो केनिची है ना, इसे छीन कर ले जाने वाला था, मैंने रोका। लेकिन ये तो मुझे उसी ने दिया है। तुम ठीक तो हो ना मेरे प्यारे से डॉगी? लेकिन तुम चाहो तो कियो से पूछ सकती हो। पूछो ना। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन मैं तुम झूठे इल्जाम लगाने से बाज नहीं आओगे ना। अब तुम जाते हो या? मैं जा रहा हूँ। अब मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें वैसा ही स्टफ डॉगी खरीद कर दूंगा युमिको। तुम ये मेरे लिए करोगे? तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। हाँ वो तो है। देखिए देखिए कमाल देखिए। दोस्ती के लिए इंसान को क्या क्या नहीं करना पड़ता है, अब देखिए ना। केनिची ज्यादा पैसे कमाए इसलिए हम सब यहाँ पोशाक पहने खड़े हैं। ओह, कोई हमें पहचान तो नहीं रहा ना?